आइए आज देखते हैं नपुंसकत्व रोकने के लिए 9 टिप्स। आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति अज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। नपुंसकत्व या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके बारे में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स रहते हैं और जवानी में, यौवन अवस्था में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहते हैं और फिर उसमें लोग घूमते रहते हैं। अभी इसको प्रिवेंट कैसा करना, मतलब उसको आने देना नहीं, ट्रीटमेंट तो बात की बात है, उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, तो वो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नपुंसकत्व आएंगे ही नहीं, उसको आप रोक देंगे। तो पहला क्या है, फर्स्ट ये है कि देखिए कि आपको स्मोकिंग से दूर रहना पड़ेगा। स्मोकिंग जो लोग करते हैं ना और तम्बाकू जो लोग खाते हैं तो उनके बॉडी में निकोटीन जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उनको असर करते रहता है स्मोकिंग में। उसमें क्या है कि ब्लड वेसल्स जो अपनी है वो थोड़ी छोटी हो जाती है और उसमें फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए तंबाकू का सेवन या स्मोकिंग से दूर रहना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, अल्कोहल और नशीले चीजें जो है उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। होता क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीजेज द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। कोई भी नशीली चीज अच्छा लगता है, कुछ लोगों को तो सेक्स होता नहीं है, अल्कोहल लेते तो सेक्स करते हैं मगर वो टेम्पररी है। अल्कोहल एकदम बंद करना चाहिए, अल्कोहल और कोई भी नशीले पदार्थ जो है उनको नहीं लेना चाहिए। नंबर तीन, देखो ब्लड फ्लो जो है वो लिंग में अंदर जाता है और करीब करीब आधा पाँव से लेके एक पाँव, मतलब 150 ml से लेके 250 ml ब्लड लिंग में सेक्स करने के समय अंदर जाता है, मतलब अपने शरीर से अंदर जाता है। अभी जब लिंग में जब ब्लड फ्लो जा रहा है, ब्लड अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेक्स है या इरेक्शन जो है वो पूरा ब्लड फ्लो का गेम है। ब्लड फ्लो यदि अपना अच्छा रखना है पूरे बॉडी में तो रोज आपने एक्सरसाइज करना जरूरी है। आप एक्सरसाइज करते हैं और वो भी एक्सरसाइज है कि बिल्कुल पसीना आ रहा है, 20-30 मिनट आप रोज एक्सरसाइज अच्छी खासी करते हैं कि जिसमें आपका हार्ट जो है उसका पंपिंग कम से कम 140 से 160 पर मिनट होगा, उससे पूरे बॉडी को पंपिंग हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी फिट रह रही है और आपको उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन में नपुंसकत्व में दिक्कत नहीं आएगी, वो होगा ही नहीं। चौथा जो है वो है कि आपको घबराहट से बचना है। घबराहट से बचना है मेरा मतलब ये है कि क्या है कि ये मशीन है, अपनी बॉडी मशीनरी है। अब मशीनरी है, एक आध दिन मशीनरी ने काम नहीं किया और एक आध दिन नहीं जमा या एक आध दिन उसको इरेक्शन नहीं आया कोई भी कारण हो या एक आध दिन उसका जल्दी गिर गया वीर्य, तो उसमें कोई ऐसा डिप्रेशन या टेंशन होने की जरूरत नहीं है। मगर होता क्या है, एक दिन भी समझो काम नहीं हुआ तो आदमी उसका टेंशन ले लेता है, घबराहट आ जाती है, कल कैसा होगा वो चिंता में रहता है और फिर प्रॉब्लम होता है तो उसको विशेष सर्कल में वो चले जाता है, विशेष साइकिल तैयार हो जाती है और फिर कल की राह देखता है, फिर कल टाल देगा या फिर कल किया तो फिर होगा नहीं, फिर वो एक हफ्ते तक नहीं करेगा और बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो घबराहट से बचना है, अवॉइड नहीं करना है, जो हुआ वो कल हुआ, एक बार कभी हो गया इसका मतलब अब नपुंसकत्व तो नहीं आया हुआ है, नपुंसक नहीं हुए है, एक बार हो गया मतलब कोई बूढ़े नहीं हुए है, एक बार नहीं हुआ मशीनरी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ध्यान में रखना जरूरी है। उसको टेंशन लेने का नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो, क्योंकि फिर अपन चक्कर में फंस जाएंगे। पांचवा जो है कि बीपी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मेलिटस ऐसी चीजें हैं, ऐसी बीमारियां हैं कि जिससे ब्लड वेसल जो है वो अंदर से छोटी हो जाती, इतनी आती इतनी हो जाएगी, फिर ब्लड फ्लो कम जाएगा पेनिस में और जिससे प्रॉब्लम आ जाएगा। जिनका ज्यादा वेट है, वजन बहुत ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो चांसेस ज्यादा है कि ब्लड वेसल्स के अंदरून जो अस्तर है वो जल्दी ब्लॉक, मतलब अस्तर ज्यादा गाढ़ा हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाने के चांसेस ज्यादा है, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, नपुंसकत्व नहीं आएगा। तो आपका बीपी और डायबिटीज और वजन सब कंट्रोल में होना चाहिए। सातवां जो पॉइंट है वो ये है कि आपका रिदम जो है वो हरदम मेंटेन करना चाहिए। मतलब ऐसा है कि देखो सेक्स ऐसा है कि जब भूख लगती है तो खाना खाना जैसा, सेक्स अच्छा लगता है तो रोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी कुछ रोज कोई, कभी लोग 2-3 दिन रोज करेंगे बाद में महीना भर नहीं करेंगे तो वो रिदम नहीं होता, बॉडी उसको मैच नहीं करती। कभी आपने बहुत ज्यादा गैप दे दिया तो फिर प्रॉब्लम आता है, तो कभी गैप देना नहीं, जो भी वो रिदमिक करो, हफ्ते में 2 बार करना है तो हफ्ते में 2 ही बार, हफ्ते में 1 बार तो हफ्ते में 1 ही बार करो, रोज करना है तो रोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रिदम होना जरूरी है। सातवां जो पॉइंट है वो है कि कोई भी टेंशन लेके बेडरूम में जाने का नहीं, कोई भी टेंशन लेके बेडरूम जाने का नहीं। टेंशन जो है काम का हो, दुकान का हो, मकान का हो, लोगों का हो, रिलेशनशिप का हो,
जब भी जाते हैं तो बेडरूम में बिना टेंशन के जाएंगे, पूरा टेंशन बाहर निकालना है, बाद में बेडरूम में अंदर जाने का है, क्योंकि ये पूरा गेम जो है वो रिलैक्सेशन का है। मैं हरदम बोलता हूँ कि नीचे टेंशन आना है तो ऊपर रिलैक्स होना जरूरी है, ऊपर टेंशन रहेगा तो नीचे टेंशन आएगा नहीं, तो टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। ये सातवां पॉइंट है। आठवां जो है, आप ऐसा बेडरूम में जाओ दोनों भी के जैसा शादी में जा रहे हैं। होता क्या है कि हम बाहर जाते हैं घूमते फिरते तो बहुत एकदम मेकअप विकअप करके टॉपो टॉप बिल्कुल बाहर जाएंगे, शादी में जाएंगे तो एकदम अच्छे जाएंगे, बेड में जाने का है तो फटे कपड़े लेके, पुराने कपड़े, मैले हुए कपड़े, स्त्री भी अच्छी दिखती नहीं है, कोई भी कपड़े पहन के जाएंगी, आदमी भी कोई भी कपड़े पहन के जाएगा, ऐसा कभी नहीं करने का। मैले हुए कपड़े, धोए नहीं है, तो ऐसा ना करते हुए कभी भी बेड के ऊपर जाने का है तो ऐसा जाओ कि शादी में जा रहे, फिर देखो कैसा इच्छा हो जाएंगे, कैसा एक्सेप्ट, जैसा मेकअप शादी में जा रहे ऐसा मेकअप कर रहे, कहीं बाहर जा रहे तो कैसा मेकअप करेंगे, ऐसा मेकअप दोनों ने भी, ऐसा नहीं कि स्त्री ने सिर्फ, तो वो करके जा रहा हूँ, देखो कितना फर्क पड़ता है। और वो हरदम करेंगे तो होगा, कभी भी बेड पे जाना है तो ऐसा नहीं जाने का कि बिल्कुल एकदम मतलब मेकअप नहीं है या थक गए हैं, थकान है, कपड़े पहने, मतलब ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम आता है। नवा पॉइंट, हरदम फिजिकली फिट होना जरूरी है, हरदम। फिर हरदम फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है, एक तो वजन कम, रात का खाना कम, जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो प्रॉब्लम है, यहाँ फैट पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत पेट बढ़ा हुआ है तो उससे प्रॉब्लम आता है, तो ये आपको कम करना पड़ेगा। और फिजिकल फिटनेस, बीमार आदमी जब रहता है, जोड़ों में दर्द है, बीमारी है, कभी भी नहीं तो एक्सरसाइज, खाना पीना इसके ऊपर रहेंगे तो आप फिजिकल फिटनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, और जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं आएगा। तो ये 9 टिप्स मैंने आपको दिए है, इसका पालन यदि करते हैं तो आप जिंदगी भर मरे तक आप सेक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।